मैंने थाईलैंड में 14 डेज स्पेंड करने के बाद मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ। तो अगर आप थाईलैंड आने का प्लान बना रहे हो, आप कैसे अपनी ट्रिप को कम से कम बजट में प्लान कर सकते हो, तो आपके पास आइडियल बजट कितना होना चाहिए, आप सस्ती फ्लाइट टिकट कैसे और कहां से कर सकते हो, थाईलैंड का वीज़ा ऑन अराइवल कैसे ले, थाईलैंड का इमिग्रेशन कैसे क्रॉस करें, थाईलैंड के इमिग्रेशन ऑफिसर क्या क्या सवाल पूछते हैं, और मेन थिंग अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप वेजिटेरियन फूड कैसे ढूंढ सकते हो। तो मान्यवर, एक नया दिन, आज डेट है 17 सितंबर और टाइम हो रहा है 10:10। फिलहाल मैं हूँ कंबोडिया की सिटी सिमरिप में, एक हॉस्टल में रुका हूँ। तो दो दिन पहले ही मैं थाईलैंड का ट्रिप फिनिश करके पहुँच चुका था इस हॉस्टल में सिमरिप में। सो अब बात करते हैं थाईलैंड में मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ था। तो देखो जी, मैं हूँ बजट ट्रैवलर, तो मैं अपने बजट को जितना अंडर बजट लेके जा सकता हूँ उतना ट्राई करता हूँ अंडर बजट जाकर खर्चे करने की। मैंने थाईलैंड में 14 डेज स्पेंड किए, उसमें से मैंने लगभग 3 से 4 दिन कैंपिंग भी की थी। सो मैंने उस तरीके से तो आपको नहीं बताऊंगा कि आपके पास इतना ही बजट होना ज़रूरी है जितना मैंने स्पेंड किया, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस अपने एक्सपीरियंस के लिए या फिर जो बजट ट्रैवलर्स है वो कैसे अपने थाईलैंड ट्रिप को कम से कम बजट में ट्रैवल कर सकते हो उनके लिए बेनिफिशियल वीडियो रहेगा, और जो नॉर्मली ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो बेनिफिशियल हो ही जाएगा। तो मेरे खर्चे बताने से पहले मैंने थाईलैंड टू कंबोडिया बॉर्डर कैसे क्रॉस किया, इमिग्रेशन में क्या हुआ, ये वीडियो इस वीडियो के बाद आएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं फ्लाइट टिकट से। मैंने अपनी फ़्लाइट बुक की थी स्काई स्कैनर के थ्रू, तो मुझे फ़्लाइट पड़ रही थी 7,500 की, लेकिन मेरे पास लगेज ज़्यादा था तो मैंने दूसरी फ़्लाइट टिकट बुक की, उसके लिए मैंने पे किया 8,500। मेरी फ़्लाइट थी कोलकाता से बैंकॉक के लिए। तो स्काई स्कैनर एक अच्छा वे है जहाँ पर आपको सभी कंपनियों की फ़्लाइट दिखाई दे सकती है, सभी वेबसाइट से, जैसे कि booking.com, make my trip, सारे वेबसाइट के प्राइस उस वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हो 8,000 से 9,000 के बीच में। उसके बाद बात करते अब वीज़ा ऑन अराइवल की, लेकिन वीज़ा ऑन अराइवल से पहले थाईलैंड इमिग्रेशन क्या क्या सवाल पूछते हैं, थाईलैंड इमिग्रेशन कैसे क्रॉस करें, ये बात बताता हूँ अब। काफ़ी इंडियंस, बांग्लादेशी या फिर नेपाल से लोग आकर कोलकाता से फ्लाई करते हैं, और मेरी फ़्लाइट थी रात की, इस वजह से भी जैसे मैं प्लेन से बाहर निकला था इमिग्रेशन पुलिस वालों ने लगभग 40 से 50 पासपोर्ट ले लिए थे और इमिग्रेशन रूम में लेके गए थे। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस काफ़ी बुरा तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक काफ़ी ख़तरनाक एक्सपीरियंस था मेरा पहला इमिग्रेशन। तो उन्होंने सबको जाकर एक लाइन में बिठा दिया, एक लाइन में बिठाने के बाद पासपोर्ट चेक किए, जिसके भी अच्छे ट्रैवल हिस्ट्री थी उनको छोड़ दिया, बाकी सबको एक एक जैसे जैसे पासपोर्ट आ रहा था वैसे वैसे बुला रहे थे। पहला सवाल पूछ रहे थे शो योर मनी, आप क्यों थाईलैंड में आ रहे हो, बस थाईलैंड में ही क्यों आ रहे हो, दूसरे कंट्री में क्यों नहीं जा रहे। उसके बाद सवाल आ रहा था होटल बुकिंग दिखाओ, रिटर्न फ्लाइट टिकट दिखाओ, ये सारे सवाल पूछ रहे थे। कोई कोई तो सही जवाब दे भी रहा था, उनको भी फिर भी उनको डिक्लेरेशन फॉर्म भरवा रहे थे। फिर मेरी बारी आई 14वें 15वें नंबर पे, तब मैंने दिमाग लगाकर मेरा ट्राईपॉड और गोप्रो ऊपर रखा था। जब मैं उनके पास चला गया तो उन्होंने मुझे ऐसे कोई सवाल नहीं किया। पहला सवाल उन्होंने किया, व्हाट आर यू डूइंग बेसिकली। सो मैंने बोला कि आई एम ए यूट्यूबर। जब मैंने बोला मैं यूट्यूबर हूँ तो मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हुए, तो बोले कि शो योर यूट्यूब चैनल। सो मैंने बोला कि आई डोंट हैव इंटरनेट एक्सेस। फिर उन्होंने बोला मेरे मोबाइल में शो कर दो, तो फिर उन्होंने वाईफाई कनेक्ट करवा दिया उनका, और फिर उन्होंने बोला कि शो इन योर मोबाइल नाउ। सो मैंने अपने मोबाइल में दिखा दिया, सो उन्होंने मेरा बोर्डिंग पास और मेरा पासपोर्ट वापस कर दिया और फिर मुझे भेज दिया इमिग्रेशन के लिए। सो अब मैं बताता हूँ इमिग्रेशन में क्या हुआ। इमिग्रेशन में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ था, क्योंकि मैं चला गया था 2200 बाद की लाइन में। मैं नहीं चाहता था कि और ज़्यादा मुझे कोई प्रॉब्लम हो, इसीलिए मैंने बोला कि छोड़ यार 200 बाद ज़्यादा चले गए तो कोई बात नहीं। तो मैं चला गया 200 बाद ज़्यादा की लाइन में, तो मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत हो ही नहीं है। बस 2 मिनट के अंदर अंदर मुझे वीज़ा ऑन अराइवल मिल गया, इमिग्रेशन पे चला गया। इमिग्रेशन ऑफिसर ने भी ज़्यादा कुछ दिक्कत की नहीं, उन्होंने भी स्टैंप लगा दिया और वेलकम टू थाईलैंड।
तो आपका वीज़ा ऑन अराइवल में लगभग 4,500 से 5,000 के बीच में खर्चा आ सकता है, डिपेंड ऑन आप 2,000 के लाइन में जाते हो या फिर 2,200 के बाद के लाइन में। अगर 2,000 के लाइन में जाते हो तो आपका 4,500 तक वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। अगर आप 2,200 के बाद में जाते हो तो 5,000 में आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। अब थाईलैंड में आने के बाद आप सस्ते होटल्स हॉस्टल्स कैसे ढूंढ सकते हो, एक तो booking.com पे ढूंढ सकते हो, अदरवाइज आप बैंकॉक में पहुंचने के बाद आप देख सकते हो चीपेस्ट हॉस्टल और होटल नियर बाय मी, सो आपको गूगल पे शो कर देंगे। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन थोड़ा सा ऑनलाइन ऐप्स पर काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो लगभग उससे $1 कम में ही आपको होटल बुकिंग या हॉस्टल बुकिंग मिल जाएगी। अगर आप बैंकॉक में रुकते हो तो पोलाइट नाम का एक हॉस्टल है, वहाँ पर बस आप इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 150 से 180 के बीच में रह सकते हो, इंक्लूडिंग कॉफ़ी या फिर ब्रेकफास्ट भी हो सकता है इंक्लूड। जो बजट ट्रैवलर हैं उनके लिए हॉस्टल काफ़ी सही है। अगर आप बैंकॉक सिटी से बाहर चले जाते हो, कहीं विलेज की तरफ घूमना चाहते हो या फिर चांगमाई की तरफ जाते हो, तो आप पेट्रोल स्टेशन पे कैंपिंग कर सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल लोग हैं यहाँ के। अगर कोई फैमिली के साथ आ रहा है या फिर कपल आ रहे हैं, अगर उनको होटल चाहिए तो होटल के रूम की प्राइस है लगभग 500 रुपये, 450-500 रुपये में आप होटल रूम मिल जाएंगे। हर पेट्रोल स्टेशन पर आपको 7-Eleven मिल जाएगा, तो आप अगर वेजिटेरियन हो तो 7-Eleven से काफ़ी चीज़ें आप बाई कर सकते हो जो कि वेजिटेरियन होती है। और 7-Eleven 24 घंटे ओपन होता है पेट्रोल पंप पे, या फिर अगर सिटीज़ के अंदर है तो आपको 1-1 किलोमीटर में 7-Eleven मिल जाएगा और काफ़ी सस्ते प्राइस में मिल जाते हैं 7-Eleven में सभी साधन सभी वस्तु। अगर आप वेजिटेरियन हो तो अगर बैंकॉक में हो या फिर कई बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर हो, तो बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर गुरुद्वारा होता है तो आप वहाँ पर जाकर लंगर भी चख सकते हो। एक तो आपका खर्चा भी नहीं होगा, दूसरी चीज़ है कि आपको वेजिटेरियन खाना भी मिल जाएगा, तो यह भी एक ट्रिक आप आजमा सकते हो। अगर खाने के खर्चे के बारे में बात करूं, एक टाइम का खाना आपको लगभग आराम से आप अगर नॉर्मली खाना खा रहे हो तो लगभग 100 से 120 रुपए में आप पेट भर खाना खा सकते हो। 100 रुपये तो मिनिमम चाहिए यार एक टाइम का खाना खाने के लिए यहाँ पर। अब मैं बात करता हूँ आप 10 दिन में थाईलैंड की कौन सी जगह पर आप जाकर विजिट कर सकते हो 10 दिनों की आइटनरी में। और जैसे आप बैंकॉक में लैंड होते हो तो आप बैंकॉक में 1-2 दिन स्पेंड कीजिएगा, बैंकॉक के आसपास की जगहों को एक्सप्लोर कीजिएगा। उसके बाद आप जा सकते हो फुकेट जा सकते हो, अगर आपको पार्टी लाइफ पसंद है या फिर बीचेस पसंद है तो फुकेट जाकर आप 2-3 दिन स्पेंड कर सकते हो। 3 दिनों का वहाँ का प्लान बनाइए तो आप वहाँ पर जाकर बीचेस पे या नाइट लाइफ इंजॉय कर सकते हो। 5 दिन होने के बाद फिर आप जा सकते हो कराबी, कराबी के लिए आप 2 दिन दे सकते हो, या फिर फिफी आइलैंड भी जा सकते हो, वहाँ पर 1 दिन दे सकते हो। तो वही 7-8 दिन, अगर आप 8 दिन होते हैं, 8 दिनों का प्लान होने के बाद आपके पास दिन बच जाते हो तो आप किसी एक आइलैंड पे जा सकते हो, वहाँ पर विजिट करके। अगर आपकी फ़्लाइट नीचे से, मान के चलो कि फुकेट से की साइड से फ़्लाइट, तो कोई दिक्कत है नहीं है, आप 50-100 किलोमीटर ट्रैवल करके आप एयरपोर्ट पहुँच सकते हो। अगर आपकी फ़्लाइट बैंकॉक से ही रिटर्न की है तो आपको फिर 8वें दिन ही वापस आना पड़ेगा, क्योंकि 1 दिन का रेस्ट भी तो चाहिए होगा। तो आप आइलैंड पे ना जाकर रिटर्न बैंकॉक आ सकते हो, आपकी रिटर्न फ्लाइट पकड़ के आप वापस इंडिया जा सकते हो। तो ऐसा कुछ हिसाब किताब है थाईलैंड के ट्रिप का। तो अब मैं बताता हूँ मैंने टोटल कितना खर्चा किया था मेरे थाईलैंड के ट्रिप के लिए। 7 से 8 दिन हॉस्टल में रुका था टोटल बता रहा हूँ, बाकी तो मैंने कैंपिंग की थी। 7 से 8 दिनों का हॉस्टल का अगर मान के चलो तो आप पकड़ लेना कि मैंने पे किया था 90 बात इक्वल टू 180, लगभग मैंने 1400 रुपये खर्च किया था हॉस्टल में स्टे करने के लिए। उसके बाद खाने की बात करूँ तो मैं लगभग 7 से 8 बारी में गुरुद्वारा में जाकर खाना खाया था। तो 7-Eleven के खर्चे लेकर या फिर बाहर का स्ट्रीट फूड मिला जुला कर मैंने खाने पर खर्च किया था लगभग 2500 पकड़ के चलो, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या क्या लिया था क्या नहीं, सारी चीज़ें मेरे पास है। तो 2500 मैंने खाने के ऊपर खर्च किया था। मैंने मेट्रो और सिटीज़ के अंदर ट्रैवल करने के लिए खर्च किए थे लगभग 1000 बात, मान के चलो कि 2000 रुपये मैंने ट्रेन्स के ऊपर खर्च किए थे। मैंने ट्रेन्स लिया करता था मेट्रो, मतलब सिटीज़ के अंदर मेट्रो और बसेस की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता मैंने ज़्यादा कुछ खर्चे किए होंगे।
मैंने अपनी थाईलैंड की ट्रिप कंप्लीट कर दी थी, वो भी 14 दिनों की, बस 6,500 रुपये में। मैंने अपनी थाईलैंड की ट्रिप कंप्लीट कर दी थी, वो भी 14 दिनों की, बस 6,500 रुपये में। सो अगर आपके लिए आइडियल में बजट पूछूँ तो आप 10,000 में आपकी ट्रिप कंप्लीट कर सकते हो अच्छे तरीके से, 10 से 12,000 रुपये। सो वो भी 14 दिनों के लिए। पर डे का बजट मान के चलो कि आप इंक्लूडिंग खाना, फूड, घूमना, 1,000 रुपये इंडियन रुपीज़ मान के चल लो। अगर आप 14 दिन रुके हैं तो 14,000 रुपये में आपकी एक सिंगल पर्सन की ट्रिप कंप्लीट हो जाएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जाते जाते ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको कंबोडिया सीरीज़ के साथ।